तो फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट हम लोगों के साथ थोड़ा बहुत चीटिंग कर रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, तो वो आज की इस वीडियो में आप लोगों को आगे पता चलने वाला है। और मुझे लगता है कि हाँ, ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ यार, ये चीज़ वाकई गलत है। और डेली टू डेली, मतलब आज इतने का है तो कल इतने का है, नहीं मतलब ये तो सब्जी मंडी हो गई ना यार, कि आज ये रेट है टमाटर का तो कल वो रेट है टमाटर का, आज 25 में है तो कल 40 में हो गए, 50 में हो गए। तो ये यार क्या हो रहा है फ्लिपकार्ट में? तो पहले आज की इस वीडियो शुरू करते हैं टाइम कॉन पे, और आप लोग बताते हैं कि क्या चीटिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है बोट स्टॉन वॉच की तरफ से। जी हाँ, आप लोग कहेंगे उसमें ही क्या दिक्कत आ गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्राइसिंग सुनिए आप, देखिए कल की डेट में था। अब देखिए, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है आने वाले टाइम में ज़्यादा भी हो जाए, कम भी हो जाए, लेकिन कल की डेट में था। वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही थी 1999 रुपये की वॉच, वही सेम वॉच सेम कलर आज की डेट में मिल रही है 2199 रुपये या फिर 2100 रुपये की। मैंने यहाँ पर नोट डाउन करके नहीं रखा एक्चुअली, उसके लिए सॉरी, लेकिन 2100 रुपये या फिर 2199 रुपये की। और अब क्या यहाँ पर दिक्कत है? चलो ठीक है यार, 100-200 रुपये का, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कलर में डिफरेंस। जैसे कि अगर आप ब्लैक कलर लेते हैं तो आप लोगों को 2200 रुपये मिल जाएगा, लेकिन वहीं पर कई सारे फंक्शन, मतलब कई सारे अलग अलग कलर्स दिए हैं हम लोगों को, जैसे कि रेड है, ग्रीन है, और भी कई सारे मतलब अच्छे कलर दिए हैं, काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव कलर्स हैं। लेकिन क्या कलर्स के चक्कर में मतलब 800-800 रुपये बढ़ जाएंगे? नहीं, आप एक बात है, ये सिर्फ कलर्स के लिए। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा गलत बात है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। और देखिए, बाकी सब बात ठीक है। अब देखिए, अलग से भी अगर स्ट्रैप खरीदते हैं तो वो भी 500 मिल जाएगी, है ना। अब देखिए, ऐसे 2200 की वॉच लीजिए और 500 का स्ट्रैप लीजिए तो 2700 रुपये पड़ेंगे। लेकिन फिर भी यार, मतलब 2200 रुपये की वॉच है और सिर्फ कलर डिफरेंस की वजह से 800 और 900 रुपये बढ़ रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? क्या वाकई आप लोगों को लगता है कि फ्लिपकार्ट यहाँ पर ये चीज़ गलती कर रहा है? चलो फ्लिपकार्ट की गलती नहीं है, जो वहाँ पर सेलर है उसकी गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट का भी थोड़ा सा मतलब यहाँ पर फॉल्ट है। क्योंकि हम लोग यार फ्लिपकार्ट से खरीदें तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अपने कस्टमर्स की तरफ, कि यार क्या ही चल रहा है मार्केट में, मतलब वहीं पर प्रोडक्ट है, उनको भी तो पता है कि इसका ये प्राइस है, इसका भी ये प्राइस है। तो फिर आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि मतलब किस तरह से फ्लिपकार्ट कुछ मतलब हम लोगों के साथ गलत हरकतें कर रहा है। जी हाँ, मतलब गलत हरकतें, ये नहीं कि मतलब समझ जाओ। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो यार वीडियो को लाइक जरूर से किया करो, और जो लाल वाला बटन दिख रहा है ना, चाहे उसमें उंगली करो चाहे डंडा करो, मुझे नहीं पता यार, वो सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, जो लाल है वो ग्रे हो जाएगा, नोटिफिकेशन पे ऑल कर लेना। तो वेल, आज की वीडियो पर इतना ही था। आई होप आप लोगों को वीडियो जरूर से पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए एक्साइटिंग और यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।